तो हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ द चैप्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। मैंने आपको बताया कि फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है और इसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे जिसको मैं थैलमस या रिसेप्टिकल बोल रहा हूँ, इस पे फोर डिफरेंट फ्लोरल होल्स प्रेजेंट होंगे और ये सारे के सारे क्या होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि फ्लावर इटसेल्फ एक मॉडिफाइड शूट है और इसमें प्रेजेंट फोर डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं। इस बात को अगर मैं रिकैप करूं तो मैंने आपसे कहा कि फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है और इसके थैलमस पे फोर नोड्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट नोड पे प्रेजेंट होगा कैलिक्स, सेकेंड नोड पे प्रेजेंट होता है कोरोला और अगर मैं थर्ड नोड की बात कर रहा हूं तो इस पे ग्रुप ऑफ स्टेमेंस प्रेजेंट होंगे जिसको मैं बोल रहा हूं एंड्रोसियम और फोर्थ या टॉप मोस्ट नोड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा जिसको मैं बोल रहा हूं गायनोसियम। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम ये फोर डिफरेंट फ्लोरल होल्स प्रेजेंट हो सकते हैं किसी एक फ्लावर में। कैलिक्स ग्रुप ऑफ सेपल्स को बोलते हैं और सेपल जो है वो ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बीइंग क्लोरोफिलस या फोटोसिंथेटिक इन नेचर होंगे और ये फूड सिंथेसाइज करेंगे फॉर द डेवलपिंग फ्लावर। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये बड स्टेज में डिफरेंट फ्लोरल होल्स को प्रोटेक्ट भी करने का काम करते हैं, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोलेंगे, पेटल कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कोरोला इज टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स फॉर द पॉलिनेशन। तो मैंने ये कहा कि कैलिक्स जो है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और प्रोटेक्टिव इन नेचर होगा, कोरोला पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों फ्लोरल होल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करेंगे। दैट इज वाई मैं इनको बोल रहा हूं नॉन असेंशियल फ्लोरल होल्स या फ्लोरल पार्ट्स। एंड्रोसियम को मैं बोल रहा हूं मेल सेक्स ऑर्गन, गायनोसियम को मैं बोल रहा हूं फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें मेल गैमेट और इसमें फीमेल गैमेट्स बनेंगे, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल प्ले करेंगे, इस वजह से हम इनको बोल रहे हैं असेंशियल या फिर रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल्स। तो मैंने ये कहा कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम ये चार डिफरेंट फ्लोरल होल्स है जिसे फ्लावर में प्रेजेंट हो सकते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम अगर ये चार के चारों फ्लोरल होल्स किसी एक फ्लावर में प्रेजेंट हैं तो ऐसे फ्लावर को मैं बोल रहा हूं कंप्लीट फ्लावर। तो मैंने ये कहा किसी फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर तब बोलेंगे जब उसमें ये चारों फ्लोरल होल्स प्रेजेंट हों, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। और अगर किसी फ्लावर में ये दोनों फ्लोरल होल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज सेक्सुअल मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ऐसे फ्लावर को मैं बोल रहा हूं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि कंप्लीट फ्लावर हमेशा कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। मैंने ये कहा कि किसी फ्लावर में अगर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम चारों प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को मैं बोल रहा हूं कंप्लीट फ्लावर। और अगर किसी फ्लावर में एंड्रोसियम, गायनोसियम या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को मैं बोल रहा हूं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर में तो एंड्रोसियम, गायनोसियम होंगे ही होंगे, तो कंप्लीट फ्लावर हमेशा कैसा होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कैलिक्स और कोरोला का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, तो इस वजह से हम इस चैप्टर में इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। कोरोला का थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन में, लेकिन अभी नहीं। एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन और गायनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, इन दोनों को हमको डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एंड्रोसियम को, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसको मैं और क्या बोल पा रहा हूं, एंड्रोसियम, यानी मैं ये कह रहा हूं कि मेल सेक्स ऑर्गन को एंड्रोसियम बोल पा रहा हूं। और एंड्रोसियम है क्या, ग्रुप ऑफ स्टेमेन को मैं बोल रहा हूं एंड्रोसियम, एंड स्टेमेन इटसेल्फ इज कंसिस्टिंग ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एक इसमें कंडक्टिंग पार्ट होगा जिसको मैं बोल रहा हूं फिलामेंट,
फिलामेंट, और इसमें दूसरा जो मेन मेल फर्टाइल पार्ट होगा इसको मैं बोल रहा हूं एंथर। एंथर तो मैंने ये कहा कि फिलामेंट और एंथर मिलके स्टेमेन बनाएंगे। ग्रुप ऑफ स्टेमेन को एंड्रोसियम बोल रहा हूं मैं, या फिर मेल सेक्स ऑर्गन बोल रहा हूं। मैंने कहा कि फिलामेंट एंथर मिलके स्टेमेन और ग्रुप ऑफ स्टेमेन को एंड्रोसियम या मेल सेक्स ऑर्गन बोल रहा हूं। तो अगर आपको याद हो मैंने आपसे बताया था कि अगर इसको थैलेमस माने तो एक नोड नीचे, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऊपर फोर्थ है टॉप मोस्ट नोड होगा। पहले वाले नोड पे, और एक और बात समझिए कि सारे के सारे नोड सर्कुलर होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे। फर्स्ट नोड पे यहाँ पे चारों तरफ प्रेजेंट होंगे सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स, इस तरीके से पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला, और थर्ड नोड पे जब आएंगे तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल लॉन्ग क्या प्रेजेंट होगा, फिलामेंट, और उसके ऊपर प्रेजेंट होगा एंथर। तो इस तरीके से फिलामेंट और एंथर मिलकर स्टेमेन बनाएंगे और कई सारे स्टेमेन इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अगर इस तरीके से आप देखें तो ये एक स्टेमेन हो गया, ये एक स्टेमेन हो गया, ये एक स्टेमेन हो गया, यानी कि ये फिलामेंट और ऊपर एंथर, ये स्टेमेन। इस तरीके से बहुत सारे स्टेमेन निकले हुए होंगे थर्ड नोड से थैलेमस के। और अगर हम फ्लावर को ऐसे देख रहे हैं तो सिर्फ हमको क्या दिखाई देंगे, एंथर्स दिखाई देंगे, क्या नहीं दिखाई देंगे, इसके पीछे वाला जो ये स्टाक है जिसको हम क्या बोल रहे हैं फिलामेंट, वो नहीं दिखाई देगा। मैं इसको अगर बोर्ड पे ड्रॉ करूं तो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं फ्लावर को देख रहा हूं तो इस तरीके से वो सर्कुलर दिखाई देगा इस तरीके से, और यहां पे सिर्फ हमको क्या दिखाई दे रहा है, स्टेमेन का कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, फर्टाइल पार्ट, यानी कि एंथर। तो ये है एंथर और इसके पीछे है फिलामेंट, ये है एंथर और इसके पीछे है फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट को मिलाकर के मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेमेन। यानी ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, स्टेमेन, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, स्टेमेन। इस तरीके से ये क्या है, बहुत सारे स्टेमेंस हैं, और इस ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को मैं बोल सकता हूं एंड्रोसियम या मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये पूरा का पूरा मेल सेक्स ऑर्गन है जिसमें कई सारे क्या प्रेजेंट है, स्टेमेन प्रेजेंट है, और स्टेमेन में क्या प्रेजेंट है, दो पार्ट, फिलामेंट और एंथर। जैसे कि अगर मैं एक स्टेमेन को यहां पर ड्रॉ करूं तो स्टेमेन में एक पार्ट क्या प्रेजेंट है, एंथर। जैसे कि ये हो गया एंथर, ये एक पार्ट क्या हो गया, एंथर। हमने कहा कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसको मैं बोल रहा हूं एंथर, एंथर, और इस एंथर से जुड़ा हुआ है ये वाला पार्ट, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, फिलामेंट। तो ये जो पार्ट है फिलामेंट वो एंथर के बेस पे या मिडिल पॉइंट पे कहीं पे भी अटैच हो सकता है, तो मैं आपको बेस पे अटैच करके दिखा रहा हूं। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और इसको मैं बोल रहा हूं फिलामेंट। तो ये एंथर हो गया और ये क्या है, फिलामेंट है, फिलामेंट है। फिलामेंट और एंथर को एक साथ हम क्या बोलेंगे, स्टेमेन बोलेंगे। तो हमने कहा कि फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट और एंथर मिला के स्टेमेन बना रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे स्टेमेन का ग्रुप जो होगा उसको एंड्रोसियम या मेल सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। तो सबसे पहले आप फिलामेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लीजिए। ये जो फिलामेंट है इसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है, फिलामेंट वर्सेटाइल इन नेचर होता है। वर्सेटाइल का मतलब ये है कि ये फिलामेंट जो है ये फ्रीली स्विंग करेगा इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। इस तरीके से ये स्विंग करेगा फ्रीली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अरे इसका सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस हम आपको पॉलिनेशन में समझाएंगे। ये फ्रीली मूव कर सकता है, स्विंग कर सकता है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्सेटाइल नेचर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि ये वेरिएबल लेंथ का होगा। वेरिएबल लेंथ इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर कोई स्पीसीज का प्लांट है उसके फ्लावर में प्रेजेंट स्टेमेन का फिलामेंट किसी एक पर्टिकुलर लेंथ का होगा, दूसरी स्पीसीज के स्टेमेन की साइज अलग होगी, यानी फिलामेंट की साइज। यानी कह सकते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज, फ्लावर टू फ्लावर जो स्टेमेन का फिलामेंट है उसकी लेंथ क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है, छोटी बड़ी हो सकती है, और इसको हमने क्या कहा कि वेरिएबल लेंथ का होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि ये कंडक्शन का भी काम करेगा। कंडक्शन का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है मान लीजिए ये थैलेमस, और यहाँ पे आपको पता है कि ये प्रेजेंट होगा फर्स्ट नोड पे सेपल, ग्रीन कलर का होगा, और ये फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड सिंथेसाइज करेगा। ये फूड जो है वो फ्लोएम के थ्रू इस पार्ट से होकर के एंथर तक पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे पोलेंस बनेंगे या माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। रूट के थ्रू यहाँ पे जो वाटर आ रहा है वो जाइलम के थ्रू इस पर्टिकुलर पार्ट से ही क्या हो जाएगा, एंथर तक जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जाइलम और फ्लोएम यानी कि वास्कुलर पार्ट होगा,
ये हेल्प करेगा किसमें, कंडक्शन में, किसका, वाटर और फूड का। तो वाटर और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। एक लास्ट या फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लीजिए इसके लिए कि ये जो एंथर है, इस एंथर को इस थैलमस से जोड़े रखने का भी काम कर रहा है फिलामेंट। मैंने ये कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है फिलामेंट का, ये एक एंड हो गया और फिलामेंट का ये एक दूसरा एंड हो गया। तो हम थैलमस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि इस एंड को मैं बोल रहा हूं डिस्टल एंड, थैलमस से दूर है, और इस एंड को मैं बोल रहा हूं प्रॉक्सिमल एंड, ये थैलमस के पास है। तो फिलामेंट का डिस्टल एंड जो है ये किससे अटैच्ड होगा, एंथर के मिडिल पार्ट से या बेसल पार्ट से, और फिलामेंट का जो ये प्रॉक्सिमल एंड है ये थैलमस से अटैच्ड होगा। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये थैलमस और एंथर के बीच में ये कनेक्शन का काम कर रहा है, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने ये कहा कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा बिटवीन थैलमस एंड एंथर। ये थैलमस और एंथर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। कनेक्शन आप ये याद रखेंगे कि जो डिस्टल एंड है वो एंथर से और जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलमस से अटैच होगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। वर्सेटाइल नेचर का होगा, वेरिएबल लेंथ होगा इसके फिलामेंट का, और वास्कुलराइज्ड पार्ट होगा यानी कि ये कंडक्शन में हेल्प करेगा वाटर एंड फूड का, और कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा बिटवीन थैलमस एंड एंथर, और एंथर के बेस या मिडिल पॉइंट से जुड़ सकता है ये फिलामेंट। डिस्टल एंड से अटैच होगा और इसका प्रॉक्सिमल एंड थैलमस से अटैच होगा। इतनी बात आपको याद रखना है किसके लिए, फिलामेंट के लिए। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है स्टैमेन का, दैट इज एंथर। एंथर जो है, अभी हमने आपको बताया कि एंथर के अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे, एंथर के अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे, यानी मैं ये कह सकता हूं कि एंथर जो है ये मेल फर्टाइल पार्ट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना चाहिए कि एंथर जो है ये मेल फर्टाइल पार्ट है, यानी कि इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। और अगर मैं दूसरे पॉइंट पे एंथर के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अभी मैंने बताया था एंथर का स्ट्रक्चर आपको, एंथर जो है वो इस तरीके का होगा ऐसा। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक बहुत क्रूड एनालॉजी देता हूं एंथर के स्ट्रक्चर के लिए कि जो एंथर है वो किस तरीके से दिखाई देता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक स्ट्रक्चर है, इसको मैं बोल रहा हूं एंथर, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको मैं बोल रहा हूं एंथर। तो एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर ये दोनों स्ट्रक्चर मिल करके एंथर बना रहे हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को मैं बोल रहा हूं लोब्स। तो एक लोब ये और एक लोब ये दोनों लोब्स आपस में जुड़े हुए होंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेराइल कनेक्टिव। तो एक एंथर के अंदर दो लोब्स होंगे और ये दोनों लोब्स जुड़े हुए होंगे किससे, कनेक्टिव की हेल्प से, और कनेक्टिव को मैं स्टेराइल बोल रहा हूँ क्योंकि उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। तो मैंने आपको ये बताया कि ये एंथर है, ये एक स्ट्रक्चर, हमने एक क्रूड एनालॉजी ली आपके लिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल मैं नहीं बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि ये एक एंथर है और एंथर के अंदर ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको मैं लोब्स बोल रहा हूं। तो एक एंथर में दोनों लोब्स आपस में जुड़े हुए होंगे किसकी हेल्प से, कनेक्टिव की हेल्प से। लेकिन समझने वाली बात आपको ये है इसमें कि ये जो एंथर है इसमें दो लोब्स हैं। दो लोब्स का मतलब आप ये समझिए कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ईच एंथर हैज टू लोब्स। मैंने आपको बताया इन मोस्ट ऑफ द केसेस का मतलब ये है कि देर आर सम एक्सेप्शन एज वेल, बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ईच एंथर हैज टू लोब्स। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि दिस इज वन और ये क्या है, दूसरा लोब है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक एंथर के अंदर लोब्स का नंबर कितना है, दो। लोब्स का नंबर कितना है, दो। अभी मैंने आपको बताया
कि ये दोनों के दोनों लोब्स आपस में जुड़े हैं इस तरीके के एक स्ट्रक्चर से, यानी दोनों लोब्स आपस में इस स्ट्रक्चर से क्या है, सेपरेटेड है, अटैच्ड है कह सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि एक एंथर जो है इसमें लोब्स का नंबर कितना है, टू, दो लोब्स है। तो इस टू के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बाई, और इस अरेंजमेंट को मैं बोल रहा हूं बाई लोब्ड अरेंजमेंट या बाई लोब्ड कंडीशन। बहुत सिंपल है, मैंने ये कहा कि एक एंथर, ये क्या है, एक पूरा एंथर है, और एक एंथर के अंदर ये वन ये टू दो लोब्स हैं, इस वजह से मैंने इस अरेंजमेंट को बोला बाई लोब्ड अरेंजमेंट, और ये दोनों लोब इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, और इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं कनेक्टिव, और ये कनेक्टिव कैसा है, स्टेराइल है। तो एक बात आपको समझ में आई कि ईच लोब हैज टू लोब्स, ईच एंथर हैज टू लोब्स। हर एक एंथर में क्या होंगे, कितने लोब्स होंगे, टू लोब्स होंगे, और ऐसे अरेंजमेंट को मैं बोल रहा हूं बाई लोब्ड अरेंजमेंट या बाई लोब्ड कंडीशन। तो हमने आपको बताया कि ये दोनों लोब्स इस तरीके से कनेक्टिव या स्टेराइल कनेक्टिव की हेल्प से जुड़े हुए हैं। मैं एक लोब को हटा रहा हूं इस रेड कलर के लोब को, आप ये समझिए कि कलर एक ही होगा दोनों लोब्स का एक एंथर में। मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके दोनों अलग अलग कलर्स लिए हुए हैं, तो मैंने एक लोब हटाया और ये सिंगल लोब में दिखा रहा हूँ, एंथर के एक लोब को हटाया, एक सिंगल लोब में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो एक लोब है, अगर मैं इस लोब की बात करूं, तो अगर आप इधर से देखें तो यहां पे इस लोब के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग एक फरो प्रेजेंट है, ये एक पिट प्रेजेंट है, और इस फरो को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होने की वजह से इसको मैं बोल रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, इसको मैंने बोला लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, और इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के प्रेजेंट होने की वजह से इस लोब के अंदर एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से। मैंने कहा कि बाहर से देखने पे ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर और ये एक दूसरा सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिन दोनों सैक लाइक स्ट्रक्चर को एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मैं बोल रहा हूं थीका। तो ये था एक लोब, और इस लोब के अंदर कितने थीका, दो थीका, एक लोब और थीका कितने, वन टू, टू थीका प्रेजेंट होंगे। द मीन इज दैट, हमने आपको बताया कि हर एक लोब के अंदर नंबर ऑफ थीका कितने होंगे, टू, मतलब द अरेंजमेंट ऑफ ईच लोब ऑफ एन एंथर इज डाइथीकस। कैसा अरेंजमेंट है, डाइथीकस अरेंजमेंट है। इस स्ट्रक्चर में मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने कहा कि एक लोब ये, एक लोब ये, बाई लोब्ड कंडीशन, और अगर मैं एक लोब की बात करूं तो इस लोब को लॉन्गिट्यूडनली एक फरो या ग्रुप डिवाइड कर रहा है, और इस फरो या ग्रुप को मैं बोल रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, और इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप की वजह से एक ये और एक ये दो क्या बन गए, थीका। तो मैंने कहा कि एक एंथर के अंदर दो लोब्स और हर एक लोब के अंदर दो थीका, तो मैं इस अरेंजमेंट को बोल रहा हूं डाई थीकस अरेंजमेंट। लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो अगर हम पूरे एंथर की बात करें तो ये हो गया दो एंथर, दो लोब एक एंथर का, ये हो गया दो लोब एक एंथर का, और अगर मैं एक लोब हटा रहा हूं तो एक लोब में एक दो थीका, तो इसी तरीके से इस दूसरे वाले लोब में भी अरेंजमेंट होगा। फिर कह सकते हैं कि इस लोब में दो थीका, तो इसके बगल वाला जो लोब होगा उसके अंदर भी दो थीका होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ थीका कितने होंगे, फोर। तो अगर हम अरेंजमेंट ऑफ एंथर इन टर्म्स ऑफ लोब बात कर रहे हैं तो बाइलोब बोलेंगे, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एंथर इन टर्म्स ऑफ थीका बोल रहे हैं तो इस अरेंजमेंट को बोलेंगे टेट्रा थीकस अरेंजमेंट। दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि एक एंथर में चार थीका होंगे तो अरेंजमेंट या कंडीशन को क्या बोल सकता हूं मैं, टेट्रा थीकस अरेंजमेंट या टेट्रा थीकस कंडीशन। तो अरेंजमेंट ऑफ एंथर इन टर्म्स ऑफ लोब इज बाइलोब्ड, अरेंजमेंट ऑफ एंथर इन टर्म्स ऑफ थीका इज टेट्राथीकस। ये आपको समझ में आ गया होगा, टेट्राथीकस कंडीशन समझ में आ गई होगी। तो अगर थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये जो एंथर है, इस एंथर को मैं यहां से कट कर रहा हूं, यानी कि हम ट्रांसवर्स सेक्शन के अबाउट इसको कट कर रहे हैं। तो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन के अबाउट कट करेंगे तो मैं पहले आपको एक एनालॉजी देता हूं पहले इस स्ट्रक्चर से, थोड़ा
थोड़ा सा बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन आपको समझना है इससे। मैंने कहा कि ये क्या है, एक एंथर है, ये दोनों लोब्स हैं, और इधर से अगर आप देखेंगे तो हर एक लोब में दो थीका है। तो अगर अगर मैं इस एंथर को ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कट कर रहा हूँ, तो आपको अगर मैं एक एंथर इधर से दिखा रहा हूँ, एक लोब ये है, एक लोब इसके पीछे होगा, मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट क्या करूँ, कट कर दूँ, इस एक्सिस के अबाउट कर दूँ, कट कर दूँ। मैंने आपको कहा कि ये एक पूरा एंथर है, एक लोब आपको दिखाई दे रहा है, एक लोब इसके जस्ट पीछे होगा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कट कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही हम इसको ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कट कर देंगे और इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे, तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हमने आपको बताया कि एंथर था, एंथर को हमने क्या किया, नीचे से ये बीच से ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट काट देंगे, नीचे वाला हटा दिया और आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। तो आप देख क्या रहे हैं कि एंथर का एक लोब ये, एक लोब इसके पीछे, जो मैंने कहा था आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे करूंगा तो दिखाई देगा, एक लोब ये, एक लोब ये, और एक लोब ये जो है इसमें बाहर से अगर देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव आधा कट के निकल गया और एक दो थीका है। इसी तरीके से अगर पीछे से देखेंगे आप तो एक दो थीका है, और अगर मैं इसको ट्रांसवर्स सेक्शन पे आपको दिखा रहा हूं तो इसके क्रॉस सेक्शन पे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे आपको दिखाई देगा कि एक दो तीन चार, यानी अगर हम एक लोब की बात करें, इस एक लोब की बात करें तो वन टू थीका, लेकिन अगर हम पूरे एंथर को काट के देख रहे हैं तो दोनों लोब हमको दिखाई देगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे, तो वन टू थीका एक लोब के, वन टू थीका दूसरे लोब के, यानी कि अगर हम पूरे एंथर की बात करें तो वन टू थ्री फोर थीका, यानी एक लोब के लिए हम डाइथीकस बोलेंगे लेकिन पूरे एंथर के लिए हम टेट्राथीकस अरेंजमेंट बोलेंगे। एक लोब के लिए, जैसे कि ये एक लोब है, इसके लिए हम बोलेंगे वन टू दो थीका, इसलिए डाइथीकस अरेंजमेंट, लेकिन अगर हम पूरे एंथर को ले रहे हैं, एंथर के अरेंजमेंट की बात करें इन टर्म्स ऑफ थीका, तो वन टू थ्री फोर थीका है। इधर से देखिए आप वन टू और इधर से देखेंगे वन टू, टोटल कितने हो गए, वन टू थ्री फोर, तो टोटल फोर थीका है। तो हम एंथर के अरेंजमेंट को इन टर्म्स ऑफ थीका क्या बोलेंगे, टेट्राथीकस, इन टर्म्स ऑफ लोब क्या बोलेंगे, बाइलोब। लेकिन अभी छोड़िए, एक एंथर है, एक एंथर के दो लोब्स और हर एक लोब में दो थीका, तो टोटल दो लोब, दो लोब में दो दो थीका, तो चार थीका। लेकिन ये थीका वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये बाहर से जो ये अपीयर हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप और इसके तरफ दो थीका, और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप और इसके दोनों तरफ दो थीका। लेकिन अगर हम इस थीका के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही होगी, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये दूसरा, इस तरीके से हर एक थीका में एक एक सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ अगर तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा दिखाई देगा ये मैंने पूरा एंथर काट के आपको बनाया था, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर था इसको मैंने कट किया और फिर इस तरीके से आपको दिखाया, जैसे कि ये स्ट्रक्चर था इसको मैंने कट किया फिर इस तरीके से आपको दिखाया, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से समझिए। और फिर मैंने आपको कहा कि ये स्ट्रक्चर है, इसको मैं हटाऊंगा तो एक लोब, ये क्या है, दूसरा लोब, ये एंथर दिखा रहा हूं मैं, एंथर के दोनों लोब से अलग अलग है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक लोब है, ये क्या है, एक लोब है, और सिर्फ अभी मैं अगर एक लोब देख रहा हूं ये, तो एक ये दो क्या है, थीका है, यानी कि एक ये और एक ये स्ट्रक्चर क्या है, थीका है, तो ये क्या हो गया, एक थीका हो गया, इस तरीके से एक थीका ये, तो एक लोब के अंदर कितने थीका हो गए, दो थीका हो गए। तो अब एक थीका की अगर बात करें, यानी सिर्फ अगर मैं एक थीका की बात करूं, तो यहाँ एक थीका के अंदर ये एक बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर को मैं इस रेड कलर के पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाले थीका के अंदर, तो इस नीचे वाले थीका में भी ये बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इस तरीके से सिमिलरली यहाँ पे भी हर एक थीका के अंदर ये बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। इस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो एंथर मैं आपको कट करके दिखा रहा हूं,
इसमें 1 2 3 4 थीका, 1 2 3 4 बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर अंदर से अगर देखेंगे थीका के, और इसी सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स या गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, या पॉलेंस बोल सकते हैं, या माइक्रोस्पोर्स बोल सकते हैं। इनका डिटेल हम पढ़ेंगे कि कौन सा टर्म कब यूज करना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ हमको एक मोटी मोटी बात ये याद रख लेनी है कि इसके अंदर प्रेजेंट होंगे पॉलेंस, इसके अंदर बनेंगे पॉलन ग्रेन्स या पॉलेंस, और वो पॉलेंस जो है वो मेच्योर स्टेज में बोला जाता है टर्म, और इसके पहले के स्टेज को मैं बोल रहा हूं माइक्रोस्पोर्स। तो हमने ये कहा कि पॉलेंस बनेंगे, फिर मैंने आपसे कहा कि माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, तो पहले माइक्रोस्पोर वाला टर्म मैं यूज कर रहा हूं कि ये जो बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर बन रहा है माइक्रोस्पोर। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि कोई भी बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, कोई भी बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, उस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पोरेंजियम। तो अगर इस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, इस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स बनते हैं, तो ये जो बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं चारों, इनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। जैसे कि ये जो बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, अगर इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम बोलते हैं। लेकिन चूंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं तो इसको मैं बोल रहा हूं माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम का नंबर कितना है, 1 2 3 4, यानी कह सकता हूं मैं कि टोटल एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, तो एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अगर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो 4 के लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं टेट्रा, और इस अरेंजमेंट को बोल रहा हूं टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट अरेंजमेंट, इसको मैं बोल रहा हूं टेट्रा स्पोरेंजिएट अरेंजमेंट। तो एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करा रहा हूं कि ये एक एंथर है, दो लोब्स हैं, एक लोब को मैं हटा रहा हूं, और इस लोब को अगर मैं इधर से दिखाऊं आपको तो यहां पे इस लोब में ये है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, और एक दो थीका है, तो एक लोब के दो थीका, तो इधर जो लोब होगा उसके भी दो थीका होंगे, तो हम लोब के लिए डाई थीकस वर्ड यूज कर रहे हैं, दो थीका है तो डाई थीकस अरेंजमेंट में बोल रहा हूं। तो अरेंजमेंट ऑफ ईच लोब ऑफ एन एंथर इज डाई थीकस, और अगर हम एक एंथर को देखें पूरा, तो इस पूरे के पूरे एंथर में टोटल कितने थीका हो जाएंगे, एक लोब में दो थीका, एक लोब में दो थीका, तो 4 थीका हो जाएंगे, यानी अरेंजमेंट ऑफ एंथर इन टर्म्स ऑफ थीका क्या होगा, टेट्रा थीकस होगा। और अगर हम आपको एक एंथर दिखाएं इस तरीके से, एक लोब ये, एक लोब इसके पीछे, और मैं इसको इस तरीके से कट कर रहा हूं, तो अगर कट करूंगा तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिखाई देगा, मैंने आपसे ये कहा कि ये हो गया एंथर, ये हो गया एंथर, और नीचे से क्या कर रहा हूं, इसको आधा पार्ट कट करके हटा रहा हूं, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन के बाद इसको क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं। तो ये जो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, इस पे एंथर हमको इस तरीके से दिखाई देगा, 1 2 3 4, यानी एक लोब में 1 2 थीका, एक दूसरा लोब इसमें भी 3 4, टोटल थीका कितने हो गए, 4। तो हम एंथर के अरेंजमेंट को इन टर्म्स ऑफ थीका क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 टेट्रा थीकस अरेंजमेंट। और थीका के अंदर देख रहे हैं तो हर एक थीका में एक सैकलाइक स्ट्रक्चर है, और इस सैकलाइक स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और इस सैकलाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोल पा रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इस अरेंजमेंट को मैं बोल रहा हूँ टेट्रा स्पोरेंजिएट अरेंजमेंट या टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। तो मैंने आपको बोला कि एंथर जो है बाइलोब्ड होगा, डाइथीकस होगा, टेट्राथीकस किस लिए बोल रहा हूं, ये भी आपको समझ में आ गया। और एक चीज हमने और आपको बताई कि ये क्या होगा, टेट्रा स्पोरेंजिएट होगा, कैसा होगा, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो एक छोटी सी बात आप ये समझ लीजिए कि एंथर को जब हम कट करके देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा एंथर जब ये इमेच्योर होगा, यंग एंथर की मैं बात करूं अगर, तब ये अपने
सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी इस तरीके से दिखाई देगा कि इसमें 1, 2, 3, 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे और इस 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम बोलेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट अरेंजमेंट। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि ये यंग एंथर का अरेंजमेंट है, टेट्रा स्पोरेंजिएट अरेंजमेंट। लेकिन अगर एंथर क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, एंथर मैच्योर हो जाएगा तो आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे ऐसा दिखाई देगा, आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे ऐसा दिखाई देगा। मैंने आपसे कहा कि अगर एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे ऐसा दिखाई देगा, इमेच्योर कंडीशन में ऐसा दिखाई देगा। तो ये है यंग एंथर का अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पोरेंजिया, और ये है किसका अरेंजमेंट, एक मैच्योर एंथर का अरेंजमेंट। यानी कह सकते हैं कि जो यंग एंथर होगा इसमें 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट अरेंजमेंट होगा, लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो इसमें सिर्फ 2 ही स्पोरेंजिया दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है, जब हम एंथर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब एंथर यंग होगा, इमेच्योर होगा, तो उसमें 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट अरेंजमेंट होगा, लेकिन एंथर जब मैच्योर हो जाएगा तो उसमें 1, 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। और अगर आप एक लोब की बात करें, तो वो इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसा इस तरीके से दिखाई देगा एक लोब। और अगर हम यंग एंथर की बात कर रहे हैं तो जब इस लोब को इस ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कट करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। फिर एक बार इसको ध्यान समझिए आसानी से। मैंने आपको बताया कि ये एक लोब मैंने लिया है एंथर का, होते कितने लोब है, 2 लोब। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यंग एंथर का एक लोब लिया हूं तो इसको जब ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कट करूंगा तो इसके टीएस सेक्शन पे, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यानी कि ये ऐसा था, मैंने इसको कट करके इस तरीके से आपको दिखाया। यानी कि लोब के अंदर कितने स्पोरेंजिया है, 1, 2। एक लोब के अंदर 1, 2 स्पोरेंजिया और 1, 2 स्पोरेंजिया। यानी कि ये जो लोब था इसको मैंने कट किया तो इसमें 2 स्पोरेंजिया दिखाई दिए। लेकिन अगर हम मैच्योर एंथर की बात कर रहे हैं, ये जो मैच्योर एंथर है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहां पे ये हो गया क्या, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के दोनों साइड यहां पे क्या प्रेजेंट है, थीटा प्रेजेंट है। और अगर हम इस मैच्योर एंथर को देख रहे हैं तो अगर हम यहां से इसको कट कर देंगे तो हमको ये इस तरीके से दिखाई देगा, एक स्पोरेंजियम। यानी कि इस एंथर के अंदर कितने स्पोरेंजियम है, 1 स्पोरेंजियम। ये मैच्योर एंथर का एक लोब है, इसको मैंने कट किया यहां से, और कट करने के बाद आपको इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं तो इसके अंदर स्पोरेंजिया कितने दिखाई दे रहे हैं, सिंगल स्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है आपको। तो ये मान लीजिए क्या है, एक मैच्योर एंथर है, ये एक इसका लोब है और 1, 2 क्या है, थीका है। इस लोब के पीछे एक लोब होगा तो टोटल 2 लोब होंगे एक एंथर के अंदर। तो ये जो एंथर है, एक लोब ये, एक लोब इसके पीछे जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, और इस लोब में यहां पे ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है और इसके दोनों तरफ यहां पे क्या है, थीका है। तो जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अबाउट इस तरीके से ये फट जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब इस तरीके से ये बर्स्ट कर जाएगा तो इसके अंदर ये जो बैक गैस सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको मैं अभी स्पोरेंजिया बोल रहा था, इसके अंदर जो माइक्रो स्पोर्स या पॉलेंस होंगे वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। इस फेनोमेना को, यानी कि ये जो एंथर है, मैच्योर एंथर है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, इससे ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अबाउट जो ये बर्ड्स कर रहा है, इस फेनोमेना को बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बोलेंगे डेइसेंस ऑफ एंथर। और इस लाइन को, जिस लाइन के अबाउट इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पे, या इस लाइन को जिस लाइन के अबाउट ये क्या हो रहा है, बर्ड्स कर रहा है, या फिर जिसके अबाउट डेइसेंस हो रहा है, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ डेइसेंस। और इस डेइसेंस का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि इसमें से जो पॉलेंस होंगे वो इसके बर्ड्स होने के बाद इस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी पॉलेंस होंगे आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी पॉलेंस रहे होंगे वो बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से बहुत अच्छी तरीके से रिकैप करा रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंथर में 2 लोब्स होंगे, इस एंथर हैज 2 लोब्स। इस अरेंजमेंट को मैंने बोला बाइलोब अरेंजमेंट, और दोनों जो लोब्स हैं ये कनेक्टिव की हेल्प से जुड़े हुए होंगे। बट इन ईच लोब
कितने थीका प्रेजेंट होंगे, दो थीका, वन टू, वन टू, दो थीका प्रेजेंट होंगे, इस वजह से डाई थीका अरेंजमेंट बोला। लेकिन मैंने एंथर का अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ लोब्स बाइलोब्ड और एंथर का ही अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ थीका क्या बोला, टेट्राथीकस। ये बहुत ईजी है आपको समझ पाना, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल सारे स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छी तरीके से रिलेट करके बताया। और फिर मैंने आपको बताया कि हर एक थीका में ये जो टेट्राथीकस कंडीशन है, यानी कि जो फोर थीका है, हर एक थीका के अंदर जब मैं इसको कट करके देख रहा हूँ ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे, टी एस सेक्शन पे, ट्रांसवर्स सेक्शन पे, तो एक ये थीका, दो तीन चार, यानी कि ये एक थीका होगा, ये दूसरा थीका होगा, दो थीका मिलकर के क्या बनाएंगे, एक ये पूरा का पूरा लोब, और इस तरीके से दो लोब होंगे, तो एक लोब के अंदर वन टू, दूसरे लोब के अंदर वन टू, टोटल फोर थीका हो जाएंगे। हर थीका के अंदर यहाँ पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे, स्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे, टोटल वन थ्रू टू थ्री फोर क्या होंगे, स्पोरेंजियम होंगे। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनेंगे, इस बैग या साइक्लिक स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्पोरेंजियम, टोटल फोर होंगे एक एंथर में, अरेंजमेंट को मैं बोल रहा हूँ टेट्राथीकस अरेंजमेंट। और मैंने आपको बताया कि ये टेट्राथीकस टेट्रा स्पोरेंजिएट अरेंजमेंट जो है, यानी कि एक एंथर के अंदर जो फोर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ये यंग एंथर के अंदर दिखाई देगा। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो एक एंथर के अंदर हमको सिर्फ दो माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगे, और एंथर लाइन ऑफ डिहेरेंस के अबाउट क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा या फिर बर्स्ट कर जाएगा, और सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स या पोलेंस जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है वो रिलीज हो जाएंगे। फिनोमेना को बोलेंगे डिहेरेंस। एक बार इन सारी बातों को आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ये एंथर डेवलप होता है। यानी ये जो एंथर है इसमें बाइलोब्ड कंडीशन, टेट्राथीकस कंडीशन, डाइथीकस कंडीशन और ये जो टेट्रास्पोरेंशियल कंडीशन है, ये कैसे डेवलप होते हैं, यानी मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ एंथर समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन पहले आपको ये सारी बातें एक बार बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, रिवाइज करना है।